23 अक्टूबर को पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के सदस्य नरेंद्र पटेल ने पत्रकारों के सामने दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें 10 लाख देकर खरीदने की कोशिश की है। उन्होंने गांधीनगर कोर्ट में वरुण पटेल, गुजरात बीजेपी प्रेसिडेंट जीतू वघानी, यूथ विंग प्रेसिडेंट ऋत्वीज पटेल और पार्टी प्रवक्ता भरत पांड्या के खिलाफ 1 करोड़ की घूस देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नरेंद्र पटेल द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर सकता है। आईटी अपनी जांच में उन 10 लाख रुपयों के सोर्स की भी जांच करेगी जिन्हें नरेंद्र पटेल ने मीडिया को दिखाया था। आपको बता दें कि नरेंद्र पटेल के आरोपों को बीजेपी ने पूरी तरह से नकार दिया था, लेकिन इसके बाद नरेंद्र पटेल और वरुण पटेल का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें डील की बातचीत वायरल हो गई। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए आईटी विभाग ने भी कथित तौर पर ब्लैक मनी के स्रोत का पता लगाने का प्रयास तेजी से कर दिया। एक आईटी अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू करने के लिए चुनाव आयोग के आदेश का इंतजार है। आईटी का जांच विभाग उस बैंक अकाउंट को ढूंढ निकालेगा जहां से कैश निकाला गया। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।